जामगाव हे सगळ्या गावाला भेट दिली आणि शेतकऱ्यांचे काय समस्या आहे, खूप भयानक परिस्थिती आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे, हे मला माहीत आहे, अधिकाऱ्यांना माहीत आहे, सरकारला माहीत आहे, सगळ्यांना माहीत आहे की शेतकऱ्यांची खूप बिकट परिस्थिती आहे. स्थानिक लेवलवर जे काही करता येईल पंचनामे, त्या पंचनाम्याच्या बाबतीत मी आढावा बैठक घेतली आणि मला असं सांगण्यात आलेलं आहे की ते सगळं प्रक्रिया 95% पूर्ण झालेली आहे. जे पंचनाम्याचे जे स्टेटस आहे आणि 1-2-3 दिवसामध्ये त्याचं सगळं रेकॉर्ड इकट्ठा करून ते सगळं डेटा कंपाईल करून ते फॉरवर्ड करण्यात येईल. 3 दिवसामध्ये ते सगळं प्रक्रिया पूर्ण होईल असं मला सांगण्यात आलेलं आहे. माझी एकच विनंती मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना केलेली आहे की शेतकऱ्यांचं जे हाल झालेले आहे ते जेव्हा तिथे गेलं तर त्याची परिस्थिती कशी आहे हे आम्हाला समजलेले आहे. एक माणुसकीच्या दृष्टीने आपण पंचनामे करा आणि जास्त जास्त शेतकऱ्यांना कशा लाभ देता येईल, लवकरात लवकर आपण त्यांच्याकडे काही पैसे देता येईल याच्यासाठी हे सगळे निर्णय आज सरकार स्थापन झाले तर सरकार आज स्थापन झाले तर त्यांचा निर्णय असणार आहे की किती पैसे ते देणार आहे. माझी एकच हे असणार आहे, प्रयत्न असणार आहे की 18 तारखेपासून लोकसभेचं अधिवेशन सुरू होत आहे आणि त्या लोकसभेच्या अधिवेशनमध्ये आम्ही प्रयत्न करणार आहे की प्रधानमंत्री साहेबांना केंद्र सरकारच्या वतीने एक मोठा पॅकेज आपण राज्य सरकारला देण्यासाठी आम्ही तिथे आवाज उठवला आहे. कारण इतकी बिकट परिस्थिती आहे शेतकऱ्यांचं आणि खूप वाईट वाटलं की अनेक शेतकरी आज रडत होते आणि त्यांची व्यथा मांडत होते. माझ्या वतीने मी प्रयत्न करणार आहे, जशा हे झालं होतं त्याचवेळी मी राज्य सरकारला केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं होतं आणि त्या पत्रामध्ये हे मागणी केली होती की सरसकट आपण शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा. कारण आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे पण हे पण खरी गोष्ट आहे की त्यांना काही कागदपत्री करायची असते ते पंचनाम्याचं काम जे आहे ते सुरू आहे. पण आता मला हे सांगायचे आहे की पंचनाम्याचं प्रोसेस जे आहे आता ते संपलेलं आहे. आता लवकरात लवकर सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तुरंत त्यांना जे बेनिफिट मुआवजा द्यायला पाहिजे ते लवकरात लवकर देण्यात यावा. आज जेव्हा मी गावात फिरत होतो त्याचा एक दुसरा उद्देश हे पण होतं की मला गंगापूर वैजापूरच्या रोडच्या बाबतीत बघायचं होतं की किती चांगली रोड्स गंगापूर आणि वैजापूरमध्ये आहे, ते कशामुळे आहे, कोणाच्यामुळे आहे हे मला बघायचं होतं. कारण जेव्हा मी PWDचे मीटिंग्स घेतो आणि जेव्हा मी DPDCच्या मीटिंगमध्ये बसतो तर कोट्यवधी रुपये आपण या ग्राम सडक योजने असू द्या, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना असू द्या, DPDCचा फंड असू द्या किंवा PWDचा फंड असू द्या, जिल्हा परिषदच्या फंड असू द्या, ते सगळ्या फंड्समध्ये आपण रोड तयार करतो आणि कोट्यवधी रुपये आपण खर्च करतो, मग रोड जातं कुठे. आज मैं जितनी भी जगह के ऊपर घूम रहा था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस गांव के अंदर इंसान ही रहते हैं ना, क्यों इन लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है कि इनको हम अच्छी सड़क ही नहीं दे पा रहे हैं. हमने इतने सालों के अंदर करोड़ों रुपया अगर खर्च किया है तो ये पैसा गया कहाँ पर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए. मैं मीडिया को ये विनती करना चाहूँगा कि अगर किसी इलाके के अंदर साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले अगर रोड बनी है वो रोड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, एग्रीमेंट ही वैसा होता है. लेकिन वो ठेकेदार को अधिकार भी इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उनकी ऊपर से सांठगांठ रहती है. अगर मेरे पास अगर ये कंप्लेन अगर आती है, शिकायत आती है कि ये रोड बनी थी 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले और अब रोड का नामो निशान नहीं है, तो हम कम अज कम मैं खासदार के हैसियत से जब पत्र लिखता हूँ तो उनके ऊपर बंधन कारक हो जाता है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें.
तो मैं उस पत्र का इस्तेमाल करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, लोगों को अच्छी सड़क देने के लिए। एक गांव के ऊपर गया जहाँ पर शुगर फैक्ट्री का रास्ता है, वो शुगर फैक्ट्री के लिए लोग जा ही नहीं पाते हैं, 6 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे गाड़ियाँ ही नहीं गुजरती है, ट्रक वाले वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ट्रक पलट जाएगी करके, क्योंकि लोडेड ट्रक होती है। अगर वो 5-6 किलोमीटर का रास्ता अगर बनता है, शेतकरियों का उसमें फायदा होता है, शेतकर यहाँ कोई गाड़ियाँ वहाँ पे ले जाने के लिए तैयारी नहीं है, वो रास्ता मैंने खुद की, मैं खासदार नहीं, जब मैं जैसे ही खासदार बना तो मुझे बहुत सारे लोग गाँव से आके अपनी अपनी मांग रखना शुरू कर दी, और हर एक की मांग ये है कि हमारा ये रास्ता बना दो, हमारी ये सड़क बना दो। मैंने ये तय किया हूँ कि मैं खासदार नहीं, रोड के ऊपर खर्च नहीं करूँगा, इसलिए नहीं खर्च करूँगा कि सरकार की बहुत सारी रोड की स्कीम्स है, बहुत सारा फंड है सरकार का जो रोड के ऊपर खर्च होना चाहिए, चाहे वो PWD का हो, जिला परिषद का हो, DPDC का हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हो, दुनिया भर की स्कीम्स है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके के ऊपर नहीं हो रहा है, उसको पैसे का इस्तेमाल बराबर से नहीं हो रहा है, ठेकेदार आ रहा है फाजुल फाजुल काम करके, ठेकेदार काम करके निकल जा रहा है, और लोग बाद में कुछ कर नहीं रहे हैं। गांव के लोग होते हैं, शरीफ होते हैं, सीधे साधे होते हैं, तो उनके लिए है तो किसके पास हम शिकायत करें। मैं तमाम गांव के लोगों को बोलना चाहता हूं कि खासदार तुम्हारा खासदार है, तुमने उसे निबड़ कर दिया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि तुम्हारी तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। मैंने अभी SDM साहब को, तहसीलदार साहब को ये बताया हूँ कि 5 सालों के अंदर जिला परिषद के जितने भी स्कूल हैं या जो भी स्कूल है, नगर परिषद का हो या जिला परिषद का हो, जहाँ जहाँ पर भी टीम के शेड है, जहाँ टीम के शेड के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारे बच्चे आज टीम के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। मौसम अच्छा रहा तो ठीक है, लेकिन थुकाने के अंदर आप खुद जाकर वहाँ पर एक आधा घंटा एक घंटा अगर बैठ सकते हैं कि आप बैठ के बताइएगा उसमें। हम खुद कहेंगे, जो भी सरकार के बड़े बड़े मंत्री आएंगे उनको कहेंगे कि सर ये सर मेरे साथ हम जाके एक घंटा या दो टीम के शेड के नीचे बैठ सकते हैं। तो वो स्कूल्स की जितनी भी लिस्ट है, वो लिस्ट हमने कहा है SDM साहब को कि आप वो लिस्ट बनाइएगा कि कितने स्कूल्स हैं कि जहाँ पर टीम के शेड है। आज बहुत सारे CSR फंड्स हैं कंपनीज के, और मैंने बालू क्षेत्रा चिकटखाना के सभी कंपनीज को ये साफ कहा हूँ कि अगर आप जमीन हमारी इस्तेमाल करते हैं, पानी हमारा इस्तेमाल करते हैं, बिजली हमारी इस्तेमाल करते हैं, रोड हमारा इस्तेमाल करते हैं, मजदूर हमारे इस्तेमाल करते हैं, और CSR फंड के दूसरी जगह के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। CSR फंड अगर यहाँ का है औरंगाबाद का, तो वो गंगापुर में खर्च होना चाहिए, वैजापुर में होना चाहिए, कन्नड़ के अंदर होना चाहिए, और करोड़ों रुपये का ये फंड है, तो ये फंड का हम सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि 5 सालों के अंदर हम गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़, औरंगाबाद के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पर बच्चों को टीम के नीचे रहना पड़ता है। आज कुछ गांव के अंदर गए तो आंगनबाड़ी के लिए बच्चे बाहर पढ़ते हैं। मैंने BDO साहब से पूछा तो BDO साहब ने कहा कि वो लिस्ट है तो हमने भेजे हुए थे, कागजी खानापूर्ति जो भी हो, लेकिन हम किसी भी तरह से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे सड़क के ऊपर पढ़े, बाहर खुली हवा के अंदर पढ़े, उनके लिए क्यों रूम्स नहीं तैयार किए जा रहे हैं। मैं आमदार जब था तो मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन था, करोड़ों रुपये का फंड आ रहा है, तो मैंने एक दिन मंगाया कि आप मुझे बताइएगा कि कितने हेल्थ क्लब्स बनाए गए हैं। मैं एक दो गांव गया, वहाँ पर बच्चे हैं तो पुलिस में भर्ती के लिए है तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे यंग लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, पूरे की हेल्थ अच्छी है। उन्होंने कहा कि साहब हमारे को जिम चाहिए। अगर ऐसे लड़कों को अगर हमने हेल्थ क्लब और जिम नहीं दिए, उनको पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं दिए जहाँ पर बैठ कर वो पढ़ सकते हैं, मैं मेरे खासदार निधि इसी स्कूलों पर खर्च करने वाला हूँ। मेरी खासदार निधि मैं आपको सभागृह बना के दूंगा, मैं आपको हेल्थ क्लब बना के दूंगा जहाँ पर DSO का फंड नहीं खत्म हो गया होगा, तो मैं स्कूल की बिल्डिंग्स के लिए फंड इस्तेमाल करूँगा, मैं शादी खाने के लिए फंड इस्तेमाल करूँगा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, शमशान भूमि अगर बनाने का है तो शमशान भूमि के लिए, कब्रस्तान के लिए अगर चाहिए तो कब्रस्तान के लिए, लेकिन सड़क के लिए अगर मैंने अगर मेरी निधि अगर खर्च कर दिया तो मेरे हिसाब से 2 महीने के अंदर मेरी निधि खत्म हो जाएगी, और उसके अंदर पता चला कि
मैंने 20% भी एरिया कवर नहीं कर पाया। मैं पूरी नजर रखूंगा कि पीडब्ल्यूडी से, जिला परिषद से हम रोड का काम किस तरह से करवा सकते हैं। अभी 5 करोड़ रुपये हमने वैजापुर के लिए हमने सैंक्शन करे हैं, उसका टेंडरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। वो वैजापुर का रोड, और वो चाहे वो खासदार निधि का हो या किसी की भी निधि का हो, आमदार निधि का हो, खासदार निधि का हो, रोड जब बनती है तो हमने कहा है कि वो ठेकेदार ने बोर्ड लगाना चाहिए, ये इतने करोड़ों का काम है या इतने लाख का काम है, इतना इसका लेंथ है, इसकी विड्थ है, और ये कौन से दिन बनाया जा रहा है, ताकि दोबारा जब हम आए उस सड़क से गुजरे और वहाँ पर अगर बोर्ड है तो हमको समझ में आएगा कि ये रोड 6 महीने पहले बनी थी और अभी रोड की हालत ऐसी हो गई है। तो उसी वक्त हम वो ठेकेदार को पकड़ सकते हैं कि भैया तूने ये रोड बनाया था और इसकी हालत देख ऐसी हो गई है करके। क्षेत्रियों के ताल्लुक से जितना भी काम किया जा रहा है, SDM साहब ने पूरा ब्रीफ किया है, दोनों ही तहसीलदार ने मुझे ब्रीफ किया है कि किस तरह से काम चल रहा है। क्योंकि पहली मीटिंग थी और मैं सिर्फ क्षेत्रियों के ताल्लुक से आया था तो सिर्फ क्षेत्रियों की बात हो रही थी, लेकिन मैंने जितने भी अधिकारी लोग थे उनको ये बताया है कि 5 साल मुझे आपके साथ काम करना है और आपको मेरे साथ काम करना है। हम दोनों मिलकर अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो यहाँ का बहुत अच्छा तरीके से विकास हम कर सकते हैं। मैं तमाम जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आमदार हैं, वो चाहे अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, उनसे ताल्लुक रखते हो, लेकिन उनका भी मकसद यही होता है कि हम लोग विकास करें। हम साथ में मिलकर सभी को साथ में लेकर चलेंगे, चाहे ये नहीं देखेंगे किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर अच्छा प्रपोजल अगर आता है तो केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, हम वो केंद्र सरकार की स्कीम्स को लेकर जाएंगे। मैं जब खासदार बनकर दिल्ली गया तो बहुत सारे मराठी अधिकारी मेरे से मिलने के लिए महाराष्ट्र सदन के अंदर आए थे और वो इतने खुश होते थे मिलके, और वो कहते थे कि शायद मैं कन्नड़ से हूँ, कोई किसी ने कहा कि मैं गंगापुर से हूँ, किसी ने कहा कि मैं औरंगाबाद के यहाँ से हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे उद्योग के ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर बैठे थे। हम उनका फ़ायदा लेंगे कि साहब पानी की स्कीम के लिए हम ग्रामीण इलाके के अंदर यहाँ पर लेकर जाए। यहाँ की औरंगाबाद की कलेक्टर मैडम थी राधा मैडम, वी राधा मैडम, वो आज के अंदर रूरल डेवलपमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। एक वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर एक औरंगाबाद का अधिकारी है जो सड़कों के अंदर रहता है, जो मेरे पास आके बोला कि सर औरंगाबाद से कोई आते नहीं है कि हम लोग सैंक्शन करने वाले रहते हैं। तब इनका सबका फायदा लेकर हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हटके भी काम करने का रहेगा। अधिकारियों को मैंने यही कहा है कि काजी खाना मूर्ति के हिसाब से सरकार तो आपको बोलेगी कि साहब पंचनामा करके आप ये देखें कि किसको कितना नुकसान हुआ है। भाई किसान आदमी है, अगर उसका 60% 70% नुकसान हुआ है, एक इंसानियत के नाते आप 67 करिएगा उसको, ताकि उसका भी फायदा होगा। तो काजी खाना मूर्ति के हिसाब से ठीक है, वो करेगा जो भी करना है करिएगा उसमें, लेकिन एक मानुष की हैसियत से आपको सबको अभी फिलहाल हमारी सबकी प्राथमिकता यही रहेगी कि जल्द से जल्द सरकार में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द उनके पास तक पैसा पहुंचे। आपकी पंचनामे अंचनामे जितने भी है, अब 2-3 दिन का टाइम लिया गया है, 2-3 दिन के अंदर ये पूरा काम मामला कंप्लीट हो जाता है। बस यही है, मैंने अपने बारे में पढ़ा था कि खासदार गायब हो गया है करके। सकाळपासून तुम्ही जो दौरा सुरू केला आहे, तुम्ही म्हणताय की रस्त्याच्या बाबतीत तो खडतर रस्ते, प्रधानमंत्री सडक योजना आणि मुख्यमंत्री सडक योजना यामध्ये काही बोर्ड लावलेले, तुम्हाला बोर्ड पाहिजे, त्या ठिकाणी त्यांच्या तारखा आहेत, त्या ठिकाणी आढळलेत का तुम्हाला एका ठिकाणी 6 महिन्यात तो रस्ता खराब झालेला असा, आणि ते तुम्ही दिल्लीला करणार आहे? नाही, मला एकही कुठेही बोर्ड मला दिसलं नाही। अशी कुठेतरी बोर्ड असेल तर मी आपल्या वतीने हे सांगू इच्छितो की लोकांनी मला हे कळवून द्या की हे रस्ता जे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमार्फत झालेला आहे, 6 महिना अगोदर झाला होता, आता त्याची परिस्थिती आहे। मी माझी टीम औरंगाबाद विशेष कर या त्याच्या इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी, आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही सोडणार नाही। मी एक स्पष्ट सांगू इच्छितो, ते कोणीही असू द्या, जे कॉन्ट्रॅक्टर जे पैसे तिथे वापरले आहे तर त्याच्या खिशाचे पैसे नाही आहे, ते जनतेचे पैसे आहे, ते जनतेचे पैसे त्यांनी वापरलेले आहे। कोणालाही मी कॉम्प्रोमाइज करणार नाही याच्या बाबतीत। आणि ज्या इंजिनियरनी त्याला क्लिअरन्स दिलेला आहे की रस्ता खूप चांगला त्यांनी तयार केलेला आहे, त्या इंजिनियरवर ही कारवाई व्हायला पाहिजे। याच्या बाबतीत मी एक पत्र
चीफ इंजिनियर असू द्या किंवा मंत्री साहेब असू द्या, सगळ्यांना मी पाठवणार आहे आणि त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. याच्या बाबतीत कोणत्याही लेवलवर कॉम्प्रोमाइज होणार नाही, मी हे स्पष्ट सांगू इच्छितो. खासदार हरवले किंवा हे हरवले ते हरवले, आता आपण तिथ्या सोशल मीडियाच्या जगात आहे आणि मी कुठे आहे, काय करतो, कुठे बसलेला आहे, काय खातो, काय पितो, कोणत्या गाडीमध्ये बसतो, हे सगळं लोकांना माहित आहे. सगळ्यांचा आशय असा आहे, रस्ते झाले पुढे गेले, आज परिस्थिती अशी आहे, शेतकरी परेशान आहे, त्यांना पीक विमा 100% मिळतो का, त्यांच्या जे पिके वाया गेली ते 100% त्यांना पैसे मिळतील का, यावर काय बोलतो आपण. हे खरी गोष्ट आहे. मला तर हे सांगायचे आहे की सगळ्यांना माहीत आहे की किती बिकट परिस्थिती आहे, शेतकऱ्यांचं किती नुकसान झालेलं आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे, मला माहीत आहे, सरकारला माहीत आहे, प्रशासनाला माहीत आहे. हे जे सगळं चाललेलं आहे हे टाइमपास करण्यासाठी, हे पंचनामे जे आहे ना, हे फक्त माझ्या माध्यमातून मी जशा हे परिस्थिती आली मी सरकारला कळवले होते. आता सरकारची परिस्थिती, राज्य सरकारची तुम्हाला माहीत आहे की सरकार होतीच नाही. आज बहुतेक तुम्ही प्रार्थना करा की आज कोणती सरकार तिथे बसाय बसेल, कोणीही बसा, पण आज आवश्यकता हे आहे की सरकार मुख्यमंत्री कोण आहे तर तुम्हाला काय माहीत नाही, मलाही माहीत नाही आतापर्यंत तरी. तर हे जे कोणी बसतील त्यांची सगळ्यांची प्राथमिकता हेच असायला पाहिजे की तुम्ही निवडणूक, आता हे तुमच्या घोषणा झाल्यावर सगळ्यात प्रथम तुम्ही हेच घोषणा करा की आम्ही शेतकऱ्यांना सरसकट त्यांच्यासाठी आम्ही एकेका मुआवजा देणार आहे, ही आमची मागणी असणार आहे. आणि तीच मागणी मी राज्य सरकारला पत्र लिहून पाठवली होती, त्याची पेपरमध्ये पण आला होता. केंद्र सरकारला आता 18 तारखेपासून लोकसभेचं अधिवेशन सुरू होत आहे आणि पहिल्याच दिवशी आम्ही याच मुद्द्यावर लोकसभेमध्ये आम्ही हेच मुद्दा मांडणार आहे की महाराष्ट्राचे जे शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालेलं आहे त्यांच्यासाठी राज्य सरकार ते करतील करतील, पण राज्य सरकारची परिस्थिती काय आहे फायनान्शियल ते आम्हाला माहीत आहे. केंद्र सरकारकडून विशेष पॅकेजची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा किंवा त्यांच्या कर्जाचा बोज कसा कमी करता येईल आणि नुकसान भरपाई जास्तीत जास्त कशी करता येईल आणि सरसकट कशी करता येईल याच्यासाठी फायनान्शियल प्रोव्हिजन जे आहे ते केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मदत करावी आणि राज्य सरकारने तुरंत त्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांपर्यंत ते पोहोचवावी. मैंने शेतकरियों से जो बात किया है, कुछ शेतकरियों ने मुझे एक चीज ये भी बताया है कि जो नुकसान भरपाई हमको जो दी जा रही है उसको नियम के हिसाब से कोई एकरी 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल के हिसाब से जो मक्के का या इसका सोयाबीन का इसका, लेकिन कई क्षेत्रियों ने ये बताया है कि हमारी पैदावार ज्यादा है उसके हिसाब से हमारे को मिलना चाहिए, तो वो नियम चेंज करना होगा. गंगापुर के लिए सिलेक्ट किया, बट हर काश्तकार गंगापुर तक नहीं आ सकता, तो गाँव में शेतकरी को दे देता है. हमारी उनका धारणा है कि हमारे पास में पैदा और ज्यादा है, तो हमको गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, CCI का और एक सेंटर आप अपॉइंट कराओ तुर्गाबाद के पास में, ताकि अपना जो एरिया है वो काफी बड़ा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट होगा. एक विषय मेरा, आप फेडरेशन को इनको ना
या तो एसडीएम साहब है, कृषि अधिकारी, सबको आप इंस्ट्रक्ट करो कि सेंटर बढ़ाए करके। सर फिर वो एक से नहीं होने वाला कहता है, मैं एक 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 स्पेसिफिक जगह से नहीं हो जाएगा। मतलब ये है कि तुर्कावादी होना तो एसोसिएशन ही होना, गंगापुर दूसरा विषय ऐसा है की गोकर्णा जो योजना है, ये योजना के गाँव में कुछ सेलेक्ट गाँव है उनको सब सब्सिडी अपन देते है, पर गोकर्णा के अंदर में मेरा सिंधुराला गाँव है नहीं। और अभी जो ना पल्स बनाने का एक नया ट्रेडिशन आया है, उसके पास में पल्स के लिए बहुत अच्छे ऑर्डर है, वो लोग एक जाम की झाड़ी ने मेरे गांव का सिलेक्शन किया 200 एकड़ का। पर काश्तकारों की जो अभी कंडीशन है वो 120 रुपये की कलम ला के झाड़ लगा नहीं सकते। तो मेरी आप लोगों से ये विनती है कि पोखरा गाँव की जो लिस्ट है तो एक नया प्रपोजल बनाने की, उसमें हमारे 5 गाँव ऐड करो, धामोरी, सिंधुवादा, टेम्बापुरी, मांडवा और शिवपुर। पोखरामध्ये जी गावं आहेत ती गावं आधीच निवडून झालेली आहेत, त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार होणार नाही त्या गावामध्येच। संजीवनी प्रकल्प म्हणून आहे हवामान आधारित त्या स्कीममध्ये जी काही गावं निवडली आहेत त्या गावात ती गावं ऑलरेडी आधी निवडलेली आहेत। फर्स्ट फेजमध्ये काही गावं घेतलेली आहेत, सेकंड फेजमध्ये पुन्हा दुसरी काही गावं, आणि थर्ड फेजमध्ये शिल्लक राहिलेली गावं। अशा प्रमाणात आपण जी काही निवड झालेली आहे त्या गावाची, वैजापूरचा तालुका कृषी अधिकारी आहे, माझ्याकडं आमच्या तालुक्यामध्ये 65 गावं निवडलेली आहेत, त्या 65 पैकी पहिल्या ह्याच्यात 2 फेजमध्ये मिळून 35 गावं झालेली आहेत, आणि उर्वरित जी आहेत ती 30 गावं आहेत थर्ड फेजमध्ये राहतात। पण या 65 गावाच्या व्यतिरिक्त एकही गाव निवडण्याचा अधिकार